सुप्रभात सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी में। और आजकल मैं हूं पूना में और अभी यहां का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, गर्मी नहीं है। और आज मैं हूं कातरज में जहां पर एक है जूलॉजिकल पार्क है, जिसको बोलते हैं जू बोलते हैं, चिड़ियाघर टाइप का प्राणी उद्यान बोलते हैं यहाँ पे, तो राजीव गांधी प्राणी उद्यान जिसको हम बोलेंगे। तो चलते हैं अभी पूरे करते विजिट, पूरे पार्क का, जूलॉजिकल पार्क का विजिट। चलते हैं अंदर, अभी टिकट लेते हैं यहाँ से। टिकट मात्र हमारे लिए 40 रुपए का है, बाकी अलग अलग रेट्स हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर होते हैं वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है कोई, अगर क्योंकि जू का इलाका लंबा है तो ये बैटरी व्हीकल भी मिल जाती है यहाँ से, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी हिस्ट्री ऐसी है, यूनियन मिनिस्टर कॉरपोरेशन ने पेशवा पार्क जू जो है एक पार्वती की एक पहाड़ी पे बनाया था 1953 में, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट था वो सिर्फ पेशवा जी के हाथ में होता था। उस टाइम पेशवा आपको पता है राजा के टाइप में होते थे, तो और सिर्फ 7 एकड़ ज़मीन में था, लेकिन बाद में इसको डेवलप करके बनाया गया और 1996 में इसके इनिशिएट किया गया और फिर इसको 130 एकड़ लैंड में बनाया गया। 14 मार्च 1999 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर। तब से ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें मोटर व्हीकल से भी आप आना जाना कर सकते हैं और काफ़ी एजुकेटिव है और बहुत सारे अच्छे जानवर हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि अगर जानवर जो घूमते हैं तो उसको जंगल के अंदर जो होता है उनका पूरा स्पेस मिलता है, उनको ऐसा नहीं लगता कि हमको बांध के रखा हुआ, उनको ये लगता है कि फ्रीली वो वहाँ पर अपना भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकें और उनको वही लगे कि हम नेचुरल टाइप का वातावरण यहाँ पे बनाया गया है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी लंबा चौड़ा है आप देखें ये। और यहाँ पे आपको ये झील दिख रही है, ये भी 30 एकड़ लैंड में बनी हुई है। और ये है चीतल, जिनको स्पॉटेड डियर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है और लाइफ स्पान इनकी जीवन जो होता है 9 से 11 साल का होता है और वेट कम से कम 40 से 85 केजी के अंदर अंदर होता है। फिर जो मादा चीतल होती है उनमें सींग नहीं होती है और जो मेल चीतल होते हैं उनमें सींग्स होते हैं। ब्लैक बक और हिंदी में हिरन बोलते हैं इनको, हिरन होते हैं ना हमारे, इसको ब्लैक बक या इंग्लिश में एंटीलोप और हमारे इधर काला हिरन बोलते हैं इसको। और इसकी जो शरीर की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है, ये शाकाहारी होता है और हाइट इसकी 73 से 83 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये जो आप जानवर देख रहे हैं इसको बोलते हैं व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर जो है इसकी जो बॉडी की लंबाई होती है 260 से 300 सेंटीमीटर तक होती है और हाइट इसकी 90 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसका वेट 135 से 260 केजी तक हो सकता है और इसकी आयु सीमा जो होती है लाइफ स्पान जिसको बोलते हैं 16 से 18 साल तक ये जिंदा रहता है। और इसको ये जो है
मांसाहारी है, जिसको इंग्लिश में कार्निवोर कहते हैं। और ये अपने शिकार के लिए, आपने देखा होगा कि जंगली जानवरों का शिकार करता है। এবার আবার রিটার্ন করবে ওখান থেকে, জানো। और ये प्राणी उद्यान जो है, जूलॉजिकल पार्क, उसका ये नक्शा देखिए आप, व्यूज़ कितना सुंदर है। भाई मस्त भाई, ये आज कैसे देख लिया दो जन को, इसके लिए तो पैसे दिए थे। अभी पकड़ा है, टाइम पास उड़ान वाले
ये जो जानवर देख रहे हैं इसको बोलते हैं लियोपार्ड या चीता, और इसका जो होता है बॉडी की लंबाई होती है 1.85 मीटर से 2.25 मीटर तक होती है। इसका वेट 39 kg से 68 kg के बीच, और इसकी आयु जो सीमा होती है 12 से 17 साल होती है, और स्पीड इसकी कम से कम 58 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से ये चल सकता है। ये पेड़ में भी चढ़ सकता है, अभी आप देखोगे आगे ये पेड़ में भी चढ़ा हुआ है और आराम से उतर रहा है, तो कितना फुर्तीला होता है ये, मैं तो अभी देखा इसको, तो बहुत ही लाजवाब भैया, ये तो सामने दिखने से घुर्र भी कर रहा था ये तो। जो आपको ये जानवर दिख रहा है इसको एशियाटिक लायन कहते हैं, और अभी तो ये सो रहा है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और इसकी इसकी जो लंबाई होती है शरीर की 275 सेंटीमीटर होती है, और वेट इसका 110 से 190 केजी के करीब, और हाइट इसकी 110 सेंटीमीटर होती है। इसका जो लाइफ स्पान होती है ना, जो जीवन कितना साल जिएगा, तो ये 16 से 18 साल तक ही जीवित रहता है। और बाकी तो ये जो आप देखते होंगे हिरन, चिंकारा, चीतल, बारहसिंगा, ये इस प्रकार के बहुत सारी प्रजाति यहाँ पर है, और अलग अलग बाड़ों में इनको रखा हुआ है, तो खाना पीना इनको देते हैं, गाजर वगैरह से खलवा कर इनका खूब अच्छे से पालन पोषण करते हैं, तो बड़ी मस्त रहते हैं जानवर यहाँ पर। और अभी बारिश आ गई है, और सब ये जो स्टूडेंट्स जो स्टडी टूर पे आ रखे, तो ये भी बेचारे अभी बरसात में अपना लेसन तैयार कर रहे थे प्रैक्टिकल। ये सारे डियर्स हैं, स्पॉटेड डियर, चीतल चीतल बोलते हैं इनको, चीतल बहुत सारे हैं। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क का मैं जो विजिट किया था उसके वीडियो वगैरह मैंने सब बना दिए हैं, और अब मेरा विजिट हो गया समाप्त, अब चलते हैं घर की ओर। सारे वीडियो वगैरह मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा आज का विजिट। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, थैंक यू, बाय 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 बाय।